हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट स्क्रैप बुक। बट उससे पहले मैं आपको छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दिस इज कोमल एंड आई एम अ क्रिएटर एंड स्मॉल बिजनेस ओनर। मेरा जो स्मॉल बिजनेस है वो मेरा हैंडमेड गिफ्ट से रिलेटेड है। तो मेरा कोई वेबसाइट नहीं है, मैं किसी ई कॉमर्स में नहीं सेल करती हूँ, मैं सेल करती हूँ थ्रू इंस्टाग्राम। अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको मेरी इंस्टाग्राम पेज की लिंक मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए एंड देखिए कि मैं किस तरह की गिफ्ट्स बनाती हूँ। सो अब मूविंग ऑन द वीडियो, हम आते हैं स्क्रैप बुक पे। अगर आपको एक अच्छी स्क्रैप बुक बनानी है, परफेक्ट स्क्रैप बुक बनानी है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छा पेज बनाएं। तो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाला है। मैं आज आपको एक अच्छा सा बेस बना के दिखाऊंगी कि स्क्रैप बुक अच्छा बेस कैसे बनाया जाए। देखिए, या तो स्क्रैप बुक हो या कोई और चीज़ हो, अगर जब तक आपका बेस क्लियर हो, अच्छा नहीं है, तो आने वाली चीज़ें खुद ब खुद अच्छी नहीं होंगी। तो सेम एज स्क्रैप बुक, अब स्क्रैप बुक का अच्छा बेस बनाएंगे तो चीज़ें अच्छी बनती जाएंगी, आपका भी मन करेगा बनाने का और जिसको आप दे रहे हो ना उसे लगेगा कि वाह क्या सुंदर सा बना के दिया है। तो अच्छा बेस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अच्छा मटेरियल एंड सही मेजरमेंट्स एंड पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अभी पेशेंस नहीं डालेंगे तो बाद में चीज़ें ख़राब होंगी। तो इसीलिए थोड़ा टाइम आप बेस बनाने में दीजिए, उसके बाद में आपको ना चीज़ें फिक्स नहीं करनी पड़ेंगी। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने स्क्रैप बुक बेस बनाया और वो ख़राब हो गया, तो उस चीज़ को फिक्स करने में मेरे को 2 से 3 times एक्स्ट्रा लग जाता है। तो वही चीज़ है, अच्छा स्क्रैप बुक को बेस बनाने के लिए थोड़ा टाइम दे दीजिए, थोड़ा एफर्ट डाल दीजिए ताकि वो चीज़ अच्छी बने। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं शायद आप भी एक हैंडमेड गिफ्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप अपने फैमिली रिलेटिव फ्रेंड्स या फिर अपने स्पेशल वंस के लिए स्क्रैप बुक बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो मैंने सोचा था कि पूरा वीडियो ही मैं आपका शेयर कर दी, पर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता तो सोचा कि ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। जो स्क्रैप बुक बनाने का फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है अच्छा पीस। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। अगर ये वीडियो अच्छा ग्रो किया तो मैं आपके साथ बहुत सारे लेआउट्स भी शेयर करूँगी, फिर मैं स्क्रैप बुक की सीरीज स्टार्ट कर लूँगी। पर पहले ये स्टार्ट करते हैं ताकि देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर करिए उन फ्रेंड्स के साथ जो हैंडमेड गिफ्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, या अपने स्पेशल वन को स्क्रैप बुक बना के देना चाहता है, तो उनको आप उनकी हेल्प कर सकते हैं मेरा वीडियो शेयर करके। सो लेट अस स्टार्ट एंड प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो, क्योंकि मैंने इसमें अक्सर शेयर किए बहुत सारी डूज एंड डोंट्स एंड टेक्निक्स। स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप अच्छी स्क्रैप बुक पेज बना पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले स्क्रैप बुक पेज बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कार्डबोर्ड शीट। जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये अराउंड 2 या 3 mm की है, तो ये आपको बहुत ईजिली कहीं किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल सकती है। अगर आपको नहीं मिलती है तो ये अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। सो मैं बना रही हूँ 7 inch स्क्रैप बुक, क्योंकि जो मेरा बॉक्स है वो 8 inch का है। तो 8 inch के लिए हम 7 inch स्क्रैप बुक लेंगे क्योंकि वो आराम से फिक्स हो जाए। तो मैं वही मार्क किया है मैंने 7x7 का, और ये हमारा सेंटर पार्ट है जिसको मैं ले रही हूँ 1.7 inches by 7 inches। जो ये हमारा फ्रंट का, बैक का एंड सेंटर का पार्ट हो जाएगा है। सेकंड थिंग इज़ कटर। अगर आप अच्छा शार्प कटर यूज़ नहीं करोगे ना तो ये चीज़ ख़राब हो सकती है, फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको यूज़ करना है अच्छा और शार्प कटर। ये मेरा बहुत शार्प और बिल्कुल न्यू कटर है, अब यू कैन सी इसमें बहुत अच्छे से कटिंग हुई है। तो ये जो बेस का जो फर्स्ट पार्ट था वो रेडी हो गया है। तो ये है फ्रंट, बैक एंड सेंटर पार्ट, जो मेरा 7x7 inches एंड 1.7 inches का, ये मैं नोट कर लेती हूँ। अगर आप भी ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं तो आप भी इसे नोट कर सकते हैं। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है हमारा अच्छा पेपर यूज़ करना। इस पेपर से हम इन बेस को कवर करेंगे, तो ज़रूरी है कि पेपर आपका अच्छा होना चाहिए।
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ट्राई करें कि बेस के लिए आप ज़्यादा थिक पेपर यूज़ ना करें। जो ये पेपर मैंने दिया है ये अराउंड 100 टू 120 GSM का है, जो मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि प्लीज़ 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 आप फेविकोल का ही यूज़ करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक डबल साइड टेप आती है, एक रेड टेप आती है, तो ये टेप बहुत हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा स्टिकी भी होती है। अगर आप बिगेनर्स हैं तो आप प्लीज़ फेविकोल यूज़ करें। मैं हमेशा फेविकोल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे आपके चांसेस थोड़े ख़राब होने के कम रहते हैं। अगर आप एक बार इसको लगा देते हैं तो ट्राई, आपको ये चांसेस बचते हैं कि आप इसको आराम से दोबारा से निकाल के लगा सकते हैं। लेकिन रेड टेप में, डबल साइड टेप में ये ऑप्शन नहीं होते हैं, वो आपको चीज़ों को ख़राब भी कर सकता है। तो ट्राई करिए कि फेविकोल का ही यूज़ करें। तो मैंने फेविकोल को ब्रश की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और फिर मैंने इसे पेस्ट किया है। इससे क्या होगा ना, इससे आपके जो पेपर्स हैं उसमें लेयर्स नहीं पड़ेंगे। ओके, सो थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इन तीनों जो बेसिस हमने लगाए हैं इनके बीच का गैप कितना होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके लिए भी बहुत लोग परेशान रहते हैं। तो ये जो है होना चाहिए अराउंड 0.5 सेंटीमीटर, यू कैन सी। तो ट्राई कीजिएगा कि इनके बीच का गैप इतना रहे। अगर आप थिक पेपर लेते हैं तो आप इसको गैप को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी खासी स्पेस भी लेते हैं फोल्ड होने के बाद। तो जो हमारे ये बेस थे फ्रंट, बैक एंड सेंटर का, ये अच्छे से पेपर मैंने पेस्ट कर दिया है 0.5 सेंटीमीटर गैप के साथ। ठीक है, तो ये इसको अच्छे से हम पेस्ट कर देंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा पेपर है उसको मैं कट कर दूँगी, और ज़रूरी है कि सारे जो बेस हैं ये अच्छे से पेस्ट हो जाएं। थोड़ा पेशेंस लगता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब मैं स्कोरिंग टूल के हेल्प से मैं उनको फोल्ड करूँगी। डोंट यूज़ डायरेक्ट फेविकोल, आई से इट अगेन, प्लीज़ फेविकोल को डायरेक्ट पेस्ट ना करें। पहले इसको अच्छे से फोल्ड कर लें, जिससे कि ये सेट हो जाए कि आपको कितना फोल्ड करना है, कोई गैप ना रहे। और ये जो सेंटर का पार्ट है ना, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है ये चीज़। नेक्स्ट थिंग इज़ कि इसके कॉर्नर्स कैसे कट करने हैं। बहुत स्क्रैप बुक आप देखें, कॉर्नर सेट नहीं होते हैं, बहुत अजीब व गरीब लगते हैं वो। तो ये बहुत इजी है, आप दोनों तरफ से लीजिए और उसके जो कॉर्नर है पॉइंट तक, वहाँ तक आप कट कीजिए। देखेंगे आप कितने अच्छे से ये सेट हो गया है। सेकंड थिंग इज़ कि आप कट करें और पॉइंट से आप इसको मोड़ दें, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है और इजी भी है। तो ये मैं चारों कॉर्नर्स जो है वो कट हो गए, और मैं इसको अगेन फेविकोल से ही पेस्ट करूँगी। इससे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी फोल्ड कर चुके थे चीज़ों को, तो आप आराम से कर सकते हैं। अब मैं स्कोरिंग टूल के हेल्प से इसे मोड़ूंगी, सेम एज अदर साइड टू। इसी तरह से हम चारों कॉर्नर्स को अच्छे से पेस्ट कर देंगे। सी, जो एफर्ट्स हमने पहले डाले थे फोल्ड करके, वो अब काम कर रहे हैं। हमें सिर्फ फेविकोल लगाना है, हमें पेस्ट करना है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि हमें सही मोड़ रहा है कि नहीं मोड़ रहा है। तो ये हमारा स्क्रैप बुक का फर्स्ट पेज था जो रेडी हो गया है अब। बट अभी इसी स्क्रैप बुक में छोटा सा ये पार्ट रह गया है कवर करने के लिए, तो इसके लिए मैं ले रही हूँ अगेन वही क्राफ्ट पेपर, जो मैं को कट कर लूँगी अपनी स्क्रैप बुक के अकॉर्डिंग। जैसे भी आप साइज़ बचा हो आप कवर कर सकते हो, मैं पूरा कवर कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि हमें पहले ही फेविकोल और पेस्ट करने से पहले ही हमें इसको यहाँ पे फोल्ड कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें मालूम पड़ जाए कि कितना पेपर हमें इसमें यूज़ करना है, कितना नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर जो मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं उसको कट कर रही हूँ, क्योंकि ये फोल्ड होता है ना, तो इसके लिए ज़रूरत, आप कितना भी मेजरमेंट कर लें ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता ही है। सॉरी, मैं यहाँ भूल गई थी और मैंने डायरेक्ट स्क्रैप बुक पे फेविकोल लगा दिया था। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे मैंने ये,
तो यहाँ पे मैंने पूरे शीट पर फेविकोल लगा दिया था। कभी कभी मैं इसमें जो ये पूरा पेपर यूज़ ना करके हाफ पेपर भी यूज़ करती हूँ, मैं उसका भी कभी वीडियो आपको सेकंड टाइप ऑफ स्क्रैप बुक में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से फेविकोल को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ। तो हमें ये डायरेक्ट पूरा नहीं चिपकाना है, हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है हमें फर्स्ट पेज से, मतलब फ्रंट से। तो पहले फ्रंट को, और इसका मेज़रमेंट ठीक होना चाहिए, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं साथ ही जो इसका स्कोरिंग टूल से जो इसका गैप है ना, मैं उसको अच्छे से फिक्स कर दूँगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में फिर ये चीज़ें ना खुलने में बंद करने में ना और कभी कभी फट भी जाती है। तो यही चीज़ है, अब ये फ़ायदा होता है फेविकोल से कि आराम से आप पेज को, मैंने दोबारा से उठा के चिपका दिया है। अगर यही डबल साइड टेप या रेड टेप होती तो ये ऐसा नहीं हो पाता। आई टोल्ड यू बिफोर कि यहाँ पे आपको पेशेंस लगेगा, आप यहाँ थोड़ा एफर्ट डाल दीजिए, थोड़ा टाइम डाल दीजिए, आपकी स्क्रैप बुक बहुत अच्छी बनेगी। नहीं तो ये जो टाइम आप बचाने की सोच रहे हो ना, आगे चल के यही टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा फिक्स करने में। तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस है, आराम से बनाइए इसे, तो ये बहुत अच्छा बनेगी। तो मैं वही अच्छे से मैंने इसको फिक्स कर दिया है। जब दोनों गैप को मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिया है, तब मैं लास्ट पार्ट को भी मैं अच्छे से पेस्ट कर दूंगी। और ये हो गया है। ये हमारी जो स्क्रैप बुक का बेस फर्स्ट पार्ट है वो रेडी हो गया है। सो नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मैं ले रही हूँ 300 डीएसएम का क्राफ्ट पेपर। ये मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज़ किया था। तो इस तो जो पेपर जो पेजेस रहेंगे उसका साइज़ जो रहेगा वो 6.5x6.5 रहेगा। सो मैं 6 पेजेस की स्क्रैप बुक बना रही हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 6 पेजेस के लिए बेस बनाना होगा। तो जिसके लिए मैं लूँगी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर बाई 6.5 इंचेस एंड 5 बाई 6.5 इंचेस एंड द थर्ड वन इज 3 सेंटीमीटर बाई 6.5 इंचेस। तो ये हमारे 3 पार्ट्स हैं। अब जिनको हम फोल्ड करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे मैंने ये सेंटीमीटर में इसलिए लिया है क्योंकि अच्छा रहता है, इंचेस में थोड़ा इशू पड़ता है, प्लीज़ अवॉइड माय हेयर। सो यहाँ पे मैंने दोनों साइड से 1.5 इंच सेंटीमीटर पे मैंने मार्क कर लिया है। बहुत ज़रूरी है कि बीच का जो पेजेस के बीच का गैप जो है वो सेम रहे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिया है और मैं स्कोरिंग टूल से इसमें मार्क कर लूँगी अच्छे से, सेम एज सेकेंड एंड थर्ड बेस पे। ट्राई कीजिए कि जो जो लाइंस हैं ये बिल्कुल ठीक रहें। स्कोरिंग टूल बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप स्कोरिंग बोर्ड नहीं ले सकते हैं या अभी बिगिनर्स हैं तो आप प्लीज़ स्कोरिंग टूल ले लीजिए, ये अमेज़ॉन बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल्स हैं। आप सिंगल पीसेस भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम फोल्ड कर लेंगे। सो अगेन मैं यहाँ पर फेविकोल यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं कभी कभी यहाँ पे रेड टेप यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने फेविकोल को ही यूज़ करना ठीक समझा। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे थोड़ा पेशेंस और बहुत ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि ये चीज़ बहुत सही होनी चाहिए। पेज के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो आपको ये बहुत केयरफुली करना होगा, नहीं तो आड़े टेढ़े पेज अच्छे नहीं लगते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब बेस रेडी कर रहे हैं तो अच्छा होना ही चाहिए। ये सेंटर पार्ट है जिसको मैं ऐड कर रही हूँ, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0.5 सेंटीमीटर अराउंड होगा सब में, किसी किसी में मतलब 0.5 to 1/4 अराउंड। तो अब हम इसको बीच में इसको ऐड करेंगे। ये जो ये ऑप्शनल है, ये मैं कट कर देती हूँ क्योंकि पेजेस के बीच में ये फिर दिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो अब इसे कट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, अब इस अप टू यू। तो यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रही हूँ फेविकोल अगेन, और मैं इसको बहुत अच्छे से फिक्स कर रही हूँ। सेम चीज़ कि आप थोड़ा टाइम यहाँ दे दीजिए, फिर आपका आगे का जो चीज़ है ना वो खुद ब खुद होती चली जाएंगी। मैं ये हमेशा स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि आप थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा टाइम दे दीजिए। ये देखिए,
ये हमारा जो सेकंड पार्ट था वो भी रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा होमवर्क कर लिया था, ये मैंने जो पेजेस हैं वो 6.5 इंचेस के मैंने कट कर लिए थे, और ये मैं यहाँ पे ये पंच मशीन यूज़ करती हूँ। तो इसको हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। अब यहाँ से जो ऑलरेडी डिज़ाइन बने हुए हैं उस पर हम काम करेंगे। ये मैं पेजेस के स्टार्टिंग में बना देती हूँ। अगर आप मेरे पेज पे गए होंगे, आपने मेरी स्क्रैप बुक्स देखी होंगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसा है। साथ ही आप इसे अलग से एक 1 इंच के स्टेप में कट करके, मतलब पंच करके इसे पेस्ट कर सकते हैं अगर आप कभी भूल जाते हैं तो ऐसा कुछ। लेकिन मैं पेज पे कर लेते थोड़ा टाइम भी बच जाता है और फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये हमारा रेडी हो गया है फर्स्ट पेज। तो आगे पेज को मैं करूँगी। इसमें याद ये रखना है कि जो ये जो पंचेस हैं ये सेम होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए, तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। मेरे सारे पेजेस का सेम रहता है, देखिए, तभी वो चीज़ अच्छी लगेगी। अब हम इसमें अच्छे से पेस्ट करेंगे। यहाँ पे भी आप रेड टेप यूज़ कर सकते हो, लेकिन फेविकोल ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसमें अच्छे से फिक्स कीजिए पेजेस को देख के, अप एंड डाउन का जो डिस्टेंस है उसको। क्योंकि जब पेजेस एक के ऊपर एक रहेंगे तो ये डिज़ाइन जो है ना वो एक के ऊपर एक आनी चाहिए, तो वो अच्छी लगेगी। इसीलिए अच्छी लगेगी क्योंकि मैं फिनिशिंग हूँ। तो यहाँ थोड़ा वीडियो को मैं फॉरवर्ड कर दूँगी। वैसे मैंने बहुत पेशेंस से मैंने ये जो पेजेस हैं लगाए थे। आप भी जब भी अगर ऐसा कुछ बना रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कीप पेशेंस, अच्छा ही बनेगा। एंड साथ ही अगर आपको मेरे ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो आप मुझे वो बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं भूल जाती हूँ, तो बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे ये हमारे जो 6 पेजेस हैं वो अच्छे से पेस्ट हो गए हैं। अब इनको बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से ये सारे कॉर्नर्स एंड जो पेजेस हैं वो एक के ऊपर एक अच्छे से आ रहे हैं, एंड डिज़ाइंस भी सेम आ रही हैं। तो ये हमारा जो बेस का थर्ड पार्ट था वो रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। वैसे मैं यहाँ पे ये इन्हें सब पेजेस बोलती हूँ। मैंने सब पेजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग साइजेस के मैंने कट किए हैं। इसको हम पेजेस के साथ ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 6 इंचेस का है, ये आप छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, अप टू यू। तो ये मैंने 1 सेंटीमीटर का मैंने ये फोल्ड कर दिया है। तो ये हम यूज़ कहाँ करेंगे, हम ये पेजेस के देखिए ये ऐसे करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो पेजेस के अंदर पेजेस हैं इसलिए मैं उनको सब पेजेस बोल रही हूँ। तो ये आप अपसाइड लगा सकते हैं, जैसे कि ये, तो ये अपसाइड ओपन होगा। डाउन साइड लगा सकते हैं, डाउन से ओपन होने के लिए, मतलब स्क्रैप बुक बना रहे हैं तो अच्छा लगता है कि जब एक पेज के अंदर एक और पेज, एक और पेज इस टाइप का अगर आप बनाएंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और जो जिसको आप गिफ्ट करेंगे ना उसको बहुत पसंद आती है ये चीज़ें, कि मतलब एक के अंदर एक सरप्राइज वाली जो फीलिंग आती है वो होता है। तो यहाँ पर मैंने ये 2 to 3 ही मैं यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि और चीज़ें मैं बाद में बनाती हूँ पेजेस के साथ। तो ये अभी मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ये मैंने बन लगाया है। तो बहुत सारे लेआउट्स होते हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपके शेयर करूँगी हमारे आने वाले वीडियो में। तो ये मैंने डाउन साइड वाला बनाया। सो ये पेजेस एंड सब पेजेस जो हैं वो अच्छे से हमारे फिक्स हो गए हैं। तो और एक और चीज़ है मैं आपके शेयर करना चाहती हूँ। आई एम सो हैप्पी टू शेयर विद यू गाइस कि इस स्क्रैप बुक में जो पेपर्स मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मैंने खुद के डिज़ाइन किए हुए हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू यूज़ दीज पेपर्स। लुक एट दिस, कितने प्यारे लग रहे हैं ये, और अपनी की मेहनत करना तो बात ही अलग होती है। तो अगर आप ऐसे ये परचेज़ करना चाहते हो ना तो मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कट कर लूँगी, लाइक ये हमारे सब पेजेस के लिए होंगे स्मॉल वंस, एंड अदर 6.5 हमारे पेजेस के लिए
जो 12 हैं एंड 7 इंचेस जो हमारे फ्रंट और बैक के लिए रहेगा। सो इसी के साथ हमारा जो स्क्रैप बुक का बेस है वो कंप्लीट हो गया है। एंड हियर वी गो, हियर इज आवर स्क्रैप बुक फाइनल लुक। एक्चुअली ये मैंने अपने कस्टमर के बनाया तो आई कांट रिवील देयर फेसेस, सो आई हाइड इट। एंड ये कितनी प्यारी लग रही है ना, मैं आपको नहीं बता सकती कि मुझे अपनी ही बनाई हुई चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं। आपको ये कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मोर डिटेल्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ये देख रहे हैं तो इट मीन्स आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी क्राफ्टिंग।